बल्कि वो तो ये भी कह रही थी कि तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बाजार से आएंगी। अरे मेरी बेटी, तुम समझती नहीं हो, तुम्हारा रिश्ता जो भी लेके आएगा ना, वो उसे इसी तरह भगा देगी। वो नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो, इसीलिए तो सब मेहमानों को ऐसे भगा देती है। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। 2-3 दिन बाद कुछ और मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने, तुम अच्छी तरह तैयार होके आके उनके साथ बैठना, पूरे एतमाद के साथ बात करना। अच्छा चलो शाबाश, ये लो जाए नमाज बिछा दो, तौलिया यहीं रख दो, आ जा, चलो चलो बिछा। तानिया, डू यू नो, ये तो हुस्न इतफाक था कि हम दोनों मिल गए। तुम्हें पता है तुम्हें कितने दिन हो गए मुझे लिफ्ट नहीं कराए? अंकल, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी थी। इन फैक्ट, होल्ड ऑन अ मिनट, ये देखें, आई हैव कॉल्ड यू, यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू माय मैसेज। अरे स्वीटहार्ट, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उस केक की बात कर रहा हूँ जो मैं बहुत मिस करता हूँ, जो तुम एवरी वीक अपने हाथों से मेरे लिए बना के लाती हो। कहाँ है वो केक? ओह, यू मीन योर फेवरेट डार्क चॉकलेट केक, राइट? यस। बस अब आपने फरमाइश कर दी है ना, आपके सामने हाजिर हो जाए। डन डन। क्या पियोगी, चाय या कॉफी? आई विल हैव कॉफी प्लीज। ओके, तू कॉफी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। तो रहना है आप, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? आप वो चाय वाले भाई ने बताया कि आप यहाँ पे बैठते हैं, और आपने कार्ड दिया था ना उस दिन, तो उस पे आपका पता लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। हाँ, तुमने कार्ड दिया था। हाँ, ये मेरा ही ऑफिस है, वेलकम। सारा का सारा ऑफिस आपका है? हाँ, सारा का सारा ऑफिस मेरा है। माशाल्लाह, बहुत शानदार है आपका ऑफिस, और बाहर बहुत सारे मुलाजिम भी हैं। हर महीने आपको बहुत सारी तनख्वाह देनी पड़ती होगी ना? आओ बैठो, क्या लोगी, चाय कॉफी कुछ ठंडा? नहीं नहीं, वो बस मैं जल्दी जल्दी आपको, आपने जो अस्पताल में बिल दिया था,
पैसे लौटाने आई हूं। अभी 5,000 है, बाकी का 5,000 मैं आपको अगले महीने लौटा दूंगी। नायाब, इसकी जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि अब वो कर्ज कर्ज नहीं रहा, रखो अपने पास। अरे मैंने उसी वक्त आपको कह दिया था, ये रकम मैं कर्ज समझ के ले रही हूँ, अब आप रख लें, आपने कहा था आप मना नहीं करेंगे। और अगर मैं ना रखूं तो? आपने वादा किया था कि आप ले लेंगे। और अब मैं वादा तोड़ रहा हूँ, इसलिए रख लें। देखिए आप ये पैसे प्लीज रख लें, वरना मेरी दादी मुझसे बहुत नाराज होंगी। आप अपनी दादी को कह दें कि मैंने पैसे रख लिए। झूठ, तौबा तौबा तौबा, मैं क्यों झूठ बोलूं, और वो भी अपनी दादी जान से। आपको पता है मेरी दादी कहती हैं कयामत के दिन जो झूठ बोलेंगे ना, अल्लाह मियां उनके मुंह में गरम गरम कोयले रखेंगे और हाथों में गरम गरम सुराखें रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप रखिए अपना उधार। नायाब, I don't think you understand. ये पैसे मैं किसी सूरत नहीं रखूं। अब तुम चाहे अपनी दादी से झूठ बोलो या कोई बहाना बनाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। अब बहाना? लेकिन ये आपको पैसे देने के लिए आई हूँ। नहीं, मेरे नहीं है ये तुम्हारे पैसे, तुम रखो। उधार उधार होता है, आप पैसे रखें। मुझे नहीं चाहिए नायाब, रखो तुम अपने पास। देखिए आप प्लीज पैसे रख लें। अरे नायाब, समझ क्यों नहीं रही, पैसे तुम्हारे हैं, तुम रखो अपने पास। तानिया, What the hell is happening here, हाँ? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं बताता हूँ, बात तो सुनो मेरी। क्या सुनने को रह गया जावियर? मुझे अपनी आंखों से नजर आ रहा है सब कुछ। I cannot believe it कि तुम इस लड़की की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हो, मेरा फोन नहीं उठा रहे, मुझसे मिल नहीं रहे हो। I cannot believe this। और तुम क्या करने आई हो यहाँ? क्या चाहती हो तुम? क्या कर रही हो तानिया, लीव हर। आप गलत समझ रही, मैं इनको ये पैसे देने आई थी बस। Oh, just shut up! तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम जावियर को ये पैसे लौटाओगी? क्या कर रही हो तानिया? तुम जैसी लोअर क्लास लड़कियों से तो मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम जैसी लो क्लास लड़कियां यही कर सकती हैं, अमीर लड़कों को फंसाती हैं, उनसे रोमांस के ड्रामे रचाती हैं, उनसे तोहफे लेती हैं, और बस यही चाहती हैं कि उनसे शादी हो जाए। बस कर दो तानिया, वी आर इन माय ऑफिस। ज़ावे, यू नॉट, तुम अभी तक यहां खड़ी हो? तुम कितनी ढीठ हो, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और मुझे आए तो नजर ना आना ज़ावे के आसपास कहीं पर भी। What are you doing, यार? वो बिचारी पैसे वापस करने आई थी मुझे। ज़ावियर, you're not understanding. तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ ये?